अमूमन भाजपा ये दावा कर रही थी कि हम 365 दिन लगातार जो हैं चुनाव के तैयारी में लगे रही थे, चुनाव कब हो जाए ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कुछ तैयारी है रीवा में इधर की? पहली बात तो आपने जो कहा भाजपा दावा करती, भाजपा दावा नहीं करती है, भाजपा यथार्थ में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल का, जिले का, प्रदेश का या राष्ट्रीय नेतृत्व हो, हम 12 महीने 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं, अपने जहां एक तरफ अपनी संगठनात्मक सुदृढ़ता भी करते हैं, उसके साथ ही जन सरोकार से भी हमारा नाता रहता है, चाहे सरकार की योजनाओं के माध्यम से हो, लोगों के गरीब कल्याण का मामला हो, संगठन सुदृढ़, इन सारे विषयों को लेकर हम सतत लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम सतत संपर्क में रहते हैं, सतत हमारा कार्यकर्ता सक्रिय रहता है, तो कभी भी चुनाव आए हम उसके लिए तैयार रहते हैं। निश्चित तौर पर अप्रैल मई में चुनाव होने वाला है और राजनीतिक दल के नाते जैसा हमने कहा तैयारी तो हमेशा रहती है, हमारी पूरी तैयारी है। और जिस तरह से देश के अंदर आज जो परिस्थितियाँ हैं, पिछले 5 सालों में जो ऐतिहासिक कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल में हुए, हमको लगता है आज़ादी के बाद से इतने ऐतिहासिक काम कभी भी नहीं हुए। तो निश्चित तौर पर हमारा कार्यकर्ता तैयार है, हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता तैयार हैं और हम भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। अजय सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल यह कि या जो चुनाव है या चुनाव के बैतरणी का पार करे खातिर सब उम्मीदवार तैयार हो रहे हैं, हर कार्यकर्ता कह रहा है कि हम हूँ इधर की उम्मीदवार है ना, हुआ उम्मीदवार या मोदी लहर में सवार होकर चुनावी बैतरणी पार करे चाहत है, कैसा सामंजस्य बैठ पाई कि एक अनार 500 बीमार हैं, एक अनार 100 बीमार नहीं आई, इतने ज़्यादा एक संख्या है उम्मीदवारन के, कैसा सामंजस्य बैठ पाई, क्या लागत है अपना? देखिए, इस मामले में तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई दावेदार नहीं होता, कभी 100 अनार बीमार वाली बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जिसे भी तय करता, हम सब उसे मिलकर भारी बहुमत से चुनाव जिताते हैं और पुनः जिताएंगे।